सो है गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग एक्सरसाइज 21 का ए का क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में बना दिया, आप लोग उसे कंसीडर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देख सकते हैं, इसमें क्या बोला है। एक स्क्वायर शेप का आप लोग का फील्ड है, ठीक है। उस पर फेंसिंग किया गया है, यानी किनारे किनारे बाउंड्री बार लगाया गया है, जिसका कॉस्ट है 35 रुपये पर मीटर के हिसाब से, यानी 1 मीटर का लगेगा 35 रुपये, और टोटल कॉस्ट आया है मेरा 4480 रुपये, ठीक है। तो बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, यानी आपको फील्ड का, जाहिर सा बात है स्क्वायर है, यानी आपको हर एक साइड का लेंथ निकालना है, मतलब साइड की वैल्यू बेसिकली आप लोग को निकालनी है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिए, 4480 रुपये उसका लगा है, यानी कि जाहिर सा बात है कोई भी आदमी अगर बाउंड्री करवाएगा, घेराबंदी करवाएगा अपने फील्ड के चारों तरफ, तो पूरा करवाएगा, आधा तो करेगा नहीं। तो यहाँ पे हम लोग का रिलेशन दिया हुआ है पैसा से, तो पैसा से हम लोग उसका पैरीमीटर निकाल सकते हैं। हम लोग को पैरीमीटर दिया रहता था, हम लोग कॉस्ट निकाल लेते थे। अब हम लोग को कॉस्ट और लेडी दे दिया गया है, रेट यहाँ पे हम लोग का दे दिया गया है, तो इसी की मदद से हम लोग क्या, आप लोग पैरीमीटर निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखिए यूनिटी मेथड का इस्तेमाल करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बिकॉज 35 रुपीज़ फेंस फील्ड 1 मीटर, यही पे दिया हुआ। देखिए 35 रुपीज़ पर मीटर, यानी आप लोग आपको क्या 35 रुपये दीजिएगा, तब आप लोग का जाकर 1 मीटर फेंसिंग होगा, यानी बाउंड्री लगेगा, ठीक है। तो 1 रुपया देंगे तो हम लोग का कितना फेंसिंग करवाएंगे, 1/35 मीटर, यानी कि 1 मीटर भी आप लोग का घेराबंदी नहीं होगा। अब हम लोग का लगा टोटल 4480 रुपये, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1 रुपये का 4480 से मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली। 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 0 का 0, 7 से काटिए, 5 9 45, 5 6 30, इस तरीके से कटेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 7 1 7, 7 2 14, 7 8 56, तो यहाँ पर कितना आ गया हम लोग का 128 मीटर। ये जनाब जो 128 मीटर आया है, यही आप लोग का पैरीमीटर है। क्यों, क्योंकि जाहिर सा बात है हम लोग का कॉस्ट आया है 4480 रुपये, यानी कि अगर टोटल फील्ड का लंबाई इतना रहा होगा तभी तो हम लोग का इतना कॉस्ट आया होगा ना। तो यही कॉस्ट आप लोग को पहले दे दिया था, प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग को पैरीमीटर का वैल्यू निकाल लेना था, उसके बाद कॉस्ट निकालना था, लेकिन यहाँ पर आप लोग को कॉस्ट का वैल्यू दे दिया है और आपसे लेंथ पूछा है। लेंथ बिना पैरीमीटर के निकाले नहीं हो सकता है। तो एक एक नियम, यानी कि हम लोगों ने यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करके पहले हम लोगों ने क्या निकाला, 128 मीटर, यानी कि पैरीमीटर निकाल लिया। अब पैरीमीटर वाला फॉर्मूला में बैठा के हम लोग साइड की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड, लिखिए स्क्वायर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिखिए 4 × साइड, फॉर्मूला लिखा, उसका वैल्यू हम लोग को निकाल चुके हैं 128 मीटर। तो साइड यहाँ पे लिखिए और 4 को इधर भेज दीजिए, क्यों, क्योंकि हमें साइड का वैल्यू ही चाहिए, साइड ही का वैल्यू हम लोग को निकालना है। इतना हम लोगों ने बखेड़ा क्यों किया है, ताकि हम लोग का पैरीमीटर आ जाए। क्यों पैरीमीटर आना ज़रूरी है, ताकि उसी से साइड निकलेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है आप लोग के पास, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 3 12, 4 2 8, यानी साइड का वैल्यू कितना आ गया आप लोग का 32 मीटर, ये आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, लंबा क्वेश्चन है, डर मत जाइएगा, लेकिन इसका आंसर एकदम शॉर्ट होगा, एकदम ध्यान से समझिए। क्या बोल रहा है, इच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड मेजर 21 मीटर, यानी एक स्क्वायर टाइप का फील्ड है जिसका हर एक साइड का वैल्यू दिया हुआ है आप लोग का 21 मीटर, ठीक है। और इसी के साथ एक रेक्टेंगुलर फील्ड भी है जिसका लंबाई चौड़ाई आप लोग को रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है, यानी कि एक्चुअल लंबाई चौड़ाई नहीं दिया हुआ है, 4:3 है, यानी कि एक्चुअल लंबाई चौड़ाई नहीं है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इफ़ द पैरीमीटर ऑफ द फील्ड आर इक्वल, बोथ फील्ड आर द इक्वल, यानी क्या बोल रहा है, अगर पैरीमीटर स्क्वायर वाला फील्ड जो है और एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, दोनों का इक्वल है क्या पैरीमीटर। यहाँ पे देखिए, इफ़ द पैरीमीटर ऑफ बोथ ऑफ द फील्ड आर इक्वल, यानी कि दोनों का अगर पैरीमीटर सेम है, बराबर है, तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, यानी कि जो आप लोग का रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका डायमेंशन निकलना है। डायमेंशन मीन्स यानी लेंथ और ब्रेथ निकलना है, यही जो आप लोग को रेशियो की फॉर्म में दिया हुआ ना, इसका आप लोग को एक्चुअल वैल्यू निकलना है।
कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर देखिए, स्क्वायर के साइड का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, तो उसका हम लोग पेरीमीटर निकाल लेंगे, और जैसे पेरीमीटर आ जाएगा हम लोग रेक्टेंगुलर के बराबर कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्वेश्चन ने बोला है दोनों का पेरीमीटर बराबर, यानी एक का गया यानी दूसरे का गया, वही बात है ना। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, तो 4 × साइड हो जाएगा, यानी कि 4 × देखिए साइड का वैल्यू है 21, ठीक है, तो हो जाएगा आप लोग का 84 मीटर। अब 84 मीटर जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आया है वही पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि क्वेश्चन ही बोल रहा है, ठीक है। बच्चे लोग अच्छे से क्वेश्चन पढ़ते नहीं हैं, उनको लगता है क्वेश्चन लंबा यानी आंसर भी लंबा होगा। नहीं जनाब, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा ही क्वेश्चन होता है लेकिन उसका आंसर बहुत ज़्यादा बड़ा आता है, ठीक है। तो हम लोग को लेंथ ब्रेथ का वैल्यू निकालना है, और ये आप लोग का दिया हुआ है रेशियो में। तो जाहिर सा बात है जब भी रेशियो हटता है तो एक वेरिएबल उसके साथ जुड़ता है, क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगेन लिखेंगे लेंथ बराबर 4x, ठीक है, अब ब्रेथ बराबर लिख देंगे 3x। आप ए से लेके जेड तक कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं। एक पेटेंट चल रहा है xxx, मैंने भी लगा दिया xxx, आप yz कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। ध्यान रहे आप लोग को वेरिएबल ही लगाना, यानी ए से लेके जेड तक ही लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के नीचे हम लोग लिखेंगे 2 × l + b, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 84। क्यों लिख देंगे 84? क्योंकि हम लोग का पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का वैल्यू आ गया है 84 मीटर, ठीक है। तो 2 × l का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना है 4x, प्लस b का वैल्यू कितना है तो 3x, बराबर कितना आ जाएगा 84। देखिए 4x और प्लस 3x कितना आ जाएगा 7x, दो यहाँ मल्टीप्लाई में था इधर आ जाएगा यानी कि डिवाइड में, यानी कि 42, ठीक है। अब x का वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 42/7, यानी कि 7 × 6 = 42, यानी x का वैल्यू आ गया 6। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, लेंथ का वैल्यू आप लोगों ने क्या माना था बताइए, 4x, है ना, यानी कि 4 × 6 24 मीटर, बस 4x यानी कि 4 × x, तो x का वैल्यू आ गया 6, तो यानी 4 × 6 24। b का वैल्यू आप लोग का कितना आ गया, तो 3x है ना, तो 3x 3 × 6 यानी कि 18 मीटर। तो आज के क्लास में बस इतना ही, अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो इससे आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी 9 to 11, बस इतना ही क्वेश्चन, उसके बाद आप लोग का एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नाउ वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास।